पाबंदों आज स्त्री थी, पत्रता नारी थी, धर्म पर चलने वाली थी, तो एक दिन का समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही पास में बैठे हैं और जी कही के आज देखे आओ किस वृद्ध लोग में पत्रता नारी कौन है। जो पत्रता का नाम सुनो तो आज ब्रह्मा जी और चल के आए साधु का भेष बनाए, तो मालूम पड़ी है कि पूरे संसार में धरा नाम की स्त्री पत्रता है। धरा नाम की, हाँ, सो आज ब्रह्मा जी ने कौन सा भेष बनाया है? क्या साधु को भेष रख के और साथ ही कही बेटी हमको भूख लग रही है भोजन करा दे। भोजन का नाम सुना तो धरा तीन दिन से भूखी बैठी थी घर पर, भोजन नहीं था
और इधर द्रोण के ब्राह्मण थे और वो गौ पर नहीं थे। जब गौ पर नहीं थे तो उस समय उस धरा ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा तुमने थोड़ी देर तक मैया कुटिया पे बैठ सकते हो? हाँ बेटी बैठ जाऊं, तुम्हें अब हाल आ रही हूं और देखो त्याग भोजन की व्यवस्था बना के ला। तो देखो भगवान की माया परीक्षा ले रहे उस नारी की भगवान, और ये देख रहे हैं कि देख इसमें कितना तपोबल है, कितनी पत्रता है, भोजन खिला देगी कि नहीं खिला पाएगी। और ये तीन दिन भूखी है, तीन दिन से जाके जाते घटना है, अब जाने जी देखूंगा कि भोजन खिला गई कि ना खिला गई और कहां खिला गई मेरे लिए भोजन। तो आधरा अपने नगर में चली है। क्या अरे अनुखिया
मुकाबला कर दोई नहीं ना आज से डर रोए और सोच मेरी दुर्दशा करके हैं दुर्दशा करके ये सेठ के आता डर रोए तो चिंता मत कर सेठ मैं साधु को छुपा नहीं जाने दूंगा तू इस तन काटने की बात कर रहा है तो काट सोई देगा ये बात कर दो
दूध में आई थी, तो यही ध्यान आपकी स्त्री अपने शरीर को त्यागा है तो त्रेता में कौशल्या बनी थी। भगवान ने अवतार राम के रूप में लिया तो कौशल्या मैया का ही रूप लिया, और द्वापर में यही ध्यान आपकी स्त्री और यशोदा बनी है, तो मैया देवकी के दूध गर्भ से जन्म ले लिया था, लेकिन दूध मैया यशोदा का लिया था। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए देवकी का दूध नहीं पिया, अवतार लेकर के आ गए थे, दूध पिया तो अपनी मैया यशोदा का।